हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ग्यारहवीं का सबसे बड़ा तबर्रुक जो है वो अमर बिल मारूफ और नहय अनिल मुनकर है। इसमें सख्तियां तो आती हैं मगर इतना इंसान थकता नहीं जितना रब नवाज देता है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। वैसे तो पहले रात को मुझे छोड़ देते कि अगर मैं कहता कि मैं बाहर निकल के चुप शाह बन जाऊंगा या चुप सरकार बन जाऊंगा, मैं नहीं बोलूंगा जो कुछ भी हुआ, तो अल्लाह का फजल है मैंने 4 महीने मुसलसल कैद तन्हाई तो बर्दाश्त कर ली, मगर उन्हें एक लफ्ज भी लिख के नहीं दिया कि मैं नहीं बोलूंगा। मैंने कहा ये रेड जोन है खत्म नबूवत, ये रेड जोन है नामूस रिसालत, ये सहाबा की नामूस और अहले बैत की नामूस, इसके खिलाफ जो भौंकेगा हम सर तो कटा सकते हैं मगर उसको भौंकने नहीं देंगे। तो ये मिशन हम सब का मुश्तरका है। 4 महीने की हद दर्जे की अज़ियत नाक कैद तन्हाई में रहने के बावजूद अपने पूरे ईमान की सलामती के हमरा मेरी जमानत पर रिहाई हुई। तकरीबन 24 शर्तें उन्होंने लिखी हुई थी, अल्लाह का फजल है मैंने उनमें से एक भी नहीं मानी। वो मुझे कहते थे कि बाहर निकल के वैसे तुमने क्या पाबंदी करनी है, कब तुमने सिर्फ ये फाइल को तो पुर कर देने, अल्लाह का फजल है उसने इस्तेकामत दी और मैंने वहां भी कहा यहां भी कह रहा हूं ये बाजी इश्क की बाजी है, तुम इश्क को कैसे जकड़ोगे, कई लाख जलाली बोलेंगे तुम कितने जलाली पकड़ोगे, ये बाजी इश्क की बाजी है तुम इश्क को कैसे जकड़ोगे, कई लाख जलाली बोलेंगे तुम कितने जलाली पकड़ोगे, उस रोजे जजा को याद करो जब जुल्म तुम्हारा बोलेगा फिरौन बने हो कुर्सी पे तुम रब को कैसे अकड़ोगे। ये हमारा इज्तिमाई फरीजा है, हमारा जिंदगी का एक एक लम्हा अमानत है, जाने हम बेच चुके हैं अल्लाह के दरबार में। मोमिन होता ही वो है जो अपनी जान अल्लाह के दरबार में बेच दे और अल्लाह उसे खरीद ले। इन अल्लाह हश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नत, जब ये जान है ही बेची हुई जन्नत के बदले में तो फिर ना बचा बचा के तू रखी से, तेरा आईना है वो आईना जो शकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह आईना सास में। बस इस पर मेरे जो सेल था मेरा वो फांसी घाट के करीब था सजाए मौत वाले कैदियों के, और मैं उस मिनी जेल में सिर्फ एक ही था, लेकिन वहां रह के मुझे मजीद तवानाई मिली और मैंने निकलते ही अपने ये अशआर मीडिया के सामने पेश कर दिए। एक है माबूद मेरा वो ही मेरा है खुदा, मैं किसी फिरौन जादे को नहीं मानता, पांव की ठोकर पे रखता हूँ गरूरे खुसरवी, मैं गुलामे मुस्तफा हूँ वो मेरे हाजत रवा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत यही दिलासा है, इसके सहारे कोई गम कोई फिक्र नहीं। वैसे तो यानी जिस तरह की वो सजा थी बंदा शायद यानी 1 महीने 1.5 महीने में पागल हो जाए, हवास खो बैठे, यानी बाकी बड़े बड़े करप्ट बदमाश उनको बहर निकालते हैं पेश करते। मैंने बार बार कहा कि 11 पेशियां हुई मुझे एक पर तो ले चलो, लेकिन मुझे उन्होंने उस चक्की से बहर नहीं निकाला 4 महीने मुसलसल। लेकिन फिर भी मैं उन सिपाहियों को ये सुना के आया हूँ जो सच पूछो तो कहती हैं दीवारें कैद खाने की बड़ी मुश्किल से मिलती हैं बहारें कैद खाने की। जो जुर्म करके गया हो उसके लिए तो अजाब है, लेकिन दीन पे पहरा देने की बुनियाद पर फिर उसका एहतमाम भी वही करते हैं कि जिनके लिए पहरा दिया गया। और हम नात पढ़ते हैं अपने इमामों की, दिल में हो याद तेरी और गोशाए तन्हाई, तो मैंने वो लिखा
रात हो जलवों भरी और जेल की तन्हाई हो, फिर तो गुर्बत में भी एक अजब शनासाई हो। गुर्बत परदेसी को कहते हैं, यानी इतनी तन्हाई का वैसे बाहर तो इम्कान नहीं कि घर है, होटल में है, जिधर है कोई आए कोई जाए, मगर वहां असर के बाद ताले लगते हैं रात भर, यूं ही जैसे कब्रिस्तान है, यानी कोई आके खोल नहीं सकता, चाबियां जमा हो जाती हैं। फिर नमाज फजर के बाद, और जो पहरेदार हैं वो उनके पास भी चाबी नहीं होती, वो खुद दो तालों में बंद होते थे। तो अल्लाह का फजल है कि चार महीने में एक सेकंड भी ये महसूस नहीं हुआ कि मैं जेल में हूं, और यही हमारे लिए सआदत है।